हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 एवरेज। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई कार, ट्रेन या बस कोई डिस्टेंस तय करती है, किसी दूरी को कवर करती है, तो उसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे। या फिर कोई बच्चा है वो टेस्ट देता है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ में वो अपना मार्क्स पाता है, तो एवरेज मार्क्स उसका कितना हुआ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनका जो वेट है इतना इतना है, तो एवरेज वेट कितना होगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज ऑफ नंबर। कोई नंबर है तो उसका एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एवरेज ऑफ नंबर, इसका जो फार्मूला है, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द गिवेन नंबर अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स, मतलब संख्याओं, जो संख्या दी गई है, जो नंबर दिए गए हैं उनका सम कितना है, और जो नंबर दिए गए हैं उनके नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हों। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर, यहाँ पे ए पे दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, ये नंबर है, इसका एवरेज कितना होगा। तो सम ऑफ द गिवेन नंबर, सम निकाल लेंगे, पहले सम निकाले हैं, आया है 28। फिर नंबर ऑफ दिस नंबर, नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं, तो 5 लिख लिए हैं। तो एवरेज ऑफ दिस नंबर्स या एवरेज ऑफ गिवेन नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ गिवेन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दिस नंबर्स। तो 28 अपॉन 5 कर देंगे तो इसका एवरेज आएगा 5.6। तो इस तरह कोई नंबर यदि हमको दिया रहता है तो इस तरह से हम उसका एवरेज निकालते हैं। नेक्स्ट है बी, 5 होल 1/3, 3 होल 1/2, 4 होल 1/2, 4 ये दिया हुआ है, तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे। तो ये फ्रैक्शन है, ये जो नंबर है फ्रैक्शन का है, तो जिस तरह से हम फ्रैक्शन का सम सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले नीचे जितने दिए हुए हैं, क्योंकि इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए ये नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6, 6। फिर इसको जैसे हम फ्रैक्शन के जो सम होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, वैसे इसको सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद 104/6 आया है। इसको जब हम कट किए हैं 2 से, तो ऊपर 52 और नीचे 3 आ गया है। तो जो सम है वो कितना आया है, 52/3 आ गया। और नंबर ऑफ द नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है, तो इसको हम लोग कर देंगे 52/3, जो ए आया है उसमें 4 से डिवाइड देंगे। जब 4 से हम डिवाइड देते हैं और वो फ्रैक्शन में रहता है, तो फिर हमको इनटू करना पड़ता है, ऐसे जैसे 52/3 मल्टी, जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का हम चिन्ह लगाते हैं, और जो न्यूमरेटर रहता है वो डेनोमिनेटर हो जाता है, तो इसलिए इसको हम 1/4 कर लिए हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 13/3, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 होल 1/3 आएगा। इस तरह से इसका एवरेज हो जाएगा 4 होल 1/3। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले जो नंबर 2 से कट नहीं होते हैं उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 2 से कट जाते हैं पूरी तरह उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। तो 20 और 30 के बीच में जो ऑड नंबर है वो है, आपको अपने से इसको निकालना पड़ेगा, 21, 23, 25, 27 एंड 29। तो टोटल कितने हैं, 5 हैं,
इसको हम ऐसे करेंगे, सम ऑफ गिवन नंबर, सम ऑफ गिवन नंबर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 125, और नंबर ऑफ दिस नंबर्स, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है, तो एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन नंबर ऑफ दिस नंबर, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। हेंस इस प्रकार जो 20 और 30 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका एवरेज कितना होगा, 25, आंसर आ जाएगा 25। इस तरह से एक्सरसाइज 60 के क्वेश्चन जो हैं आपको सॉल्व करना है इसी के अकॉर्डिंग, तो आप लोग उसे कर लेंगे, एक्सरसाइज 60 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे।